हिंदुस्तान के वजीर आजम, बालाकोट में हमारी एयरफोर्स ने बम गिराया। मैंने कहा बहुत अच्छा, हम साथ हैं। हिंदुस्तान के वजारत खारजा के सेक्रेटरी ने आकर बयान दिया, हमने कहा बहुत अच्छा है। एयरफोर्स के चीफ ने आकर कहा, हमने कहा हम साथ हैं। मगर उसके बाद हम क्या देखते हैं, सियासी रोटी सेकने के लिए अमित शाह कह रहे हैं कि 250 मरे वहां पर, वो दहशतगर्द तंजीम, वो शैतान मसूद अजहर, उसके 250 लोग मारे गए। राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर बोल रहे कि एनटीआरओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरा फोन टैप करते, मेरा भी फोन टैप करके सुनते हैं उन्हों। एनटीआरओ का काम वो इसे खाली टैप करना, बहुत सुने होंगे मगर अल्हम्दुलिल्लाह उनको मालूम होगा कि अपने एक ही छह दो नहीं है। एनटीआरओ का राजनाथ सिंह बोले कि एनटीआरओ ने वहां पर देखा कि बम गिरने से पहले 300 सेल फोन के लाइट थे, बम गिरते ही 300 गायब। मैं राजनाथ सिंह से और मोदी साहब से पूछना चाह रहा हूं, वजीर आजम, अगर एनटीआरओ यहां बैठकर बालाकोट में 300 सेल फोन को देख रहा, तो फिर हिंदुस्तान में हम बैठकर पुलवामा में 50 किलो आरडीएस चलेगा वो नहीं देख सके आप? क्या दिमाग है भाई मोदी आपका, वाह। यानी यहां बैठकर आपका जो कश्मो करामात है, आप दिल्ली में बैठ के एनटीआरओ देख लिया कि 300 सेल फोन गुल हो गए, तो फिर आप दिल्ली में बैठ के आपके नाक के नीचे हिंदुस्तान में पुलवामा में 50 किलो आरडीएस चले गया वो नहीं देखे आप? आंख बंद कर लिए क्या? सो गए थे? बिरयानी खा लिए थे क्या? हो सकता बड़े की बिरयानी खा के डकार लेके सो गए हो, कुछ तो होगा ना भाई। जब आप बम गिराए तो बोल रहे हम 300 सेल फोन थे, यहां वहां आरडीएस चलेगा, 40 लोग मारे गए हमारे, उसका कोई बोले नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। फिर एक इनका एग्रीकल्चर मिनिस्टर बोलता बिहार में, अमित शाह 250 तो नहीं बोला, बास 250 बोले तो मैं 300 बोलता हूं, उरु 300 बोले। तो एक और मिनिस्टर बोला नहीं नहीं 400, क्या कोई चौक की मार्केट से पान खरीद रहे? 250-300 में एक टोकरा दे दे, 400 में एक टोकरा दे दे। हमारा मौका यह है कि आपने कहा ठीक है, मगर आप जो है रोटी सेक रहे हैं, रोटी सेक रहे हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम बोलते मेरा 56 इंच का सीना है, वो सीना नहीं है, टाइम टाइम हो गए आप चाइना के सामने। मसूद अजहर को बोले थे कि उसको टेररिस्ट बनाएंगे शैतान को, चीन बोला नहीं मैं ब्लॉक कर देता हूं। आप क्या करें बताओ वजीर आजम, आप कुछ नहीं कर सके। आप अंकल ट्रंप को इतना लपटे इतना लपटे इतना लपटे, उन्हें भी बोला रे क्या तुम ये क्या घर में नहीं है, मेरे को भी बोला पट रहा है, मेरे से लोग आके पूछे देखिए कैसा मिली अंकल ट्रंप से मिला, हाँ ऐसी होता घर में नहीं रहे तो बाहर लपटते। नहीं मजाक कर रहा हूं मैं, कोई वो सीरियस नको लो आप, मीडिया को भी बोल रहा हूं ज्यादा नको चलाओ उसको, जोक है लाइटर वेन में जो बोलते ना। मगर अंकल ट्रंप कुछ नहीं करे आपको, चीन बोला नहीं नहीं सुनता मैं। आप वुहान समिट करें, क्या हुआ वुहान समिट का, क्या बोलते मोदी हुकूमत, नहीं हम सबर से काम लेंगे चीन के बारे में। अच्छा सबर से काम लेंगे, माने वो जैसे शयातीन अब साजिश करेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ दोबारा बम ब्लास्ट करने की, जब तक आप सबर करेंगे? कहां गए आपके बड़े बड़े बातें, एक सर का जवाब घर में घुस के वो करेंगे, फ्रंट फुट पे खेलेंगे। चीन की बात आई तो विकेट ही छोड़ के चले आ रहे हैं, क्या है बताइए आप।